guys, welcome back to my YouTube channel Be Real. आज आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी लेके आई हूँ मैं. ये रेसिपी है ग्लो सिरम. ग्लो सिरम किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? जैसे इस गर्मियों के गंदे से मौसम में, मानसून में, हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, फिर हमें डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है हमारी स्किन पे. तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आ रहा है ये ग्लो सिरम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की छोटी सी रेसिपी. तो ग्लो सीरम बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं. फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए एक छोटू सा कंटेनर. मेरे पास ये किसी क्रीम का कंटेनर पड़ा था, तो मैं इसी में हर बार अपना ग्लो सीरम बनाती हूँ और इसको फ्रिज में रख लेती हूँ. आफ्टर दैट हमें चाहिए एलोवेरा जेल. मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर पतंजलि की एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट ऑफ दिस ग्लो सीरम, तो ये सबके पास होना ही चाहिए. देन हमें चाहिए थोड़ा सा रोज़ वाटर. यहाँ पे मैं गुलाबरी का रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत ही एसेंशियल है. आफ्टर दैट दो कैप्सूल्स हमें चाहिए इवियन 500 विटामिन ई के. एंड देन मेरे पास ये है एसेंशियल ऑयल की लेमन की कुछ ड्रॉप्स, इसकी भी दो तीन ड्रॉप्स मैं ग्लो सीरम में ऐड करूँगी. देन हमारे पास होनी चाहिए एक छोटी सी सीज़र उन कैप्सूल्स को कट करने के लिए, और एक स्पून इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसीजर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कंटेनर में डालेंगे हमारी एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल मैंने डाली है, उसके बाद मैं डालूंगी इसमें रोज वाटर. एक स्पून आप इसमें रोज वाटर का डाल लीजिए. आफ्टर दैट हम इसमें दो कैप्सूल्स ऑफ विटामिन ई डालेंगे. ये हो गए मेरे कैप्सूल्स भी. आफ्टर दैट मैं इसमें 2 to 4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन एसेंशियल ऑयल डालूंगी. और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक ये एक क्रीम की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता. देख सकते हो ये मेरा क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ चुका है और अब ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है. आप लोगों को एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना होगा कि आपको इसको फ्रिज में स्टोर करना है, नहीं तो ये ज़्यादा दिन नहीं निकाल पाएगा. इसलिए याद रखना कि इसको फ्रिज में ही रखना है. उसके बाद मान लो आपने अपना शावर वगैरह लिया, आपने टोनिंग करने के बाद इसको नॉर्मली थोड़ा सा लेके अपने पाम पे अच्छे से इसको हाथ में मसल के फेस पे लगा लेना है. ये बना लिया मैंने अपना ग्लो सीरम. मैं डेली इसको अपना फेस वॉश करने के बाद यूज़ करती हूँ अपने फेस पे. रात को फिर से मैं फेस वॉश करने के बाद ना सोने से पहले इसको अपने स्किन पे अच्छे से मसाज करती हूँ. तो मेक श्योर आप लोगों ने भी कंटिन्यूसली इसको यूज़ करना है. सिर्फ 15 दिन आप यूज़ करके देखो, आपको अपने फेस में जो है बेनिफिट ज़रूर नज़र आएगा. तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिन जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इन दिनों में पिंपल्स वगैरह की, ज़रूर शेयर करना. और कि मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है. अगर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो यार, प्लीज़. सो मिलते हैं तब तक के लिए नई वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.